होलिका दहन को हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि असुर के राजा हिरण्यकश्यपु, जो कि भगवान विष्णु का बड़ा ही शत्रु था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु के छोटे भाई, जो कि काफी अत्याचारी था, उसका वध कर दिया था। इसी क्रोध में हिरण्यकश्यपु, जो कोई भी भगवान विष्णु की आराधना करता उससे वो क्रोधित होता और उसे दंड देने का प्रयास करता। संयोग बस हिरण्यकश्यपु का पुत्र ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बन गया। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की रोज आराधना करने लगा, जिससे क्रोधित हो हिरण्यकश्यपु ने उसे मृत्यु देने का प्रण लिया और कई बार असफल प्रयास किया। लेकिन इस असफल प्रयास के बाद भी भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हो सकी। तब उसने एक दूसरी ही युक्ति सोची। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका थी, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था कि जो कोई भी भगवान शिव से प्राप्त उसके चादर को ओढ़कर बैठेगा उसे अग्नि जला नहीं पाएगी। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने निर्णय किया कि उसकी बहन होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठेगी, जिससे प्रहलाद तो जल जाएगा और उसकी बहन होलिका जीवित बच जाएगी। संजोगवश या दैवयोग से ही कहें कि होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी और वो चादर ओढ़ ली, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो चादर ओढ़ कर प्रहलाद के ऊपर चला गया, जिससे होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यह संयोग बड़ा ही सुखद था, इसीलिए तभी से संपूर्ण भारत में इसको उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। लोगों में अति प्रसन्नता हुई और लोग होलिका दहन करने लगे, और होलिका दहन के उपरांत चैत्र के प्रथम दिवस को होली के दिन में मनाया जाने लगा और लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। रंगों का उत्सव मनाया जाने का अवसर शुरू हो गया।